अब उत्तराखंड की खबरों की तरफ बढ़ेंगे तो देहरादून में कोरोना से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जंग जीत ली है। बता दें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के एम्स में भर्ती थे जहां उनका इलाज चल रहा था। एम्स से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य ठीक हो चुका है। अभी कुछ दिन दिल्ली आवास पर ही वो रुकेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य अच्छा हो चुका है, अब वो दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जहां हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक वो दिल्ली आवास पर ही रुकेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 5 दिनों तक उनके लंग्स इन्फेक्शन का इलाज भी चला है, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि 2 जनवरी को वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो आज वो दिन है जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो चुके हैं दिल्ली एम्स से और दिल्ली में ही अपने आवास पर वो रुकेंगे कुछ दिनों तक। यहां हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो कुछ दिनों तक वो होम आइसोलेटेड रहे थे, साथ ही साथ उनके पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो तीनों होम आइसोलेटेड रहे। लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उनके लंग्स इन्फेक्शन का इलाज लगातार 5 दिनों तक चला है, जिसके बाद आज नतीजे ये हैं कि वो स्वस्थ हो चुके हैं और दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज उन्हें मिल चुका है। तो दिल्ली आवास पर ही कुछ दिनों तक वो रुकने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ हो चुके, कोरोना को मात दे दी उन्होंने। फाइम तना हमारे साथ जुड़ेंगे अधिक जानकारी के साथ, रेजिडेंट एडिटर, तो उनसे अधिक जानकारी लेंगे कि क्या आगे की तैयारी है, क्योंकि अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ हो चुके हैं। फाइम कोमल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो गए हैं और उनकी तबियत ठीक हो गई है। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, कल भी इस बात को उम्मीद की गई थी कि आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो लिहाजा, लेकिन अभी खबर यह है कि वो दिल्ली अभी कुछ दिन रहेंगे दिल्ली आवास पर ही, क्योंकि अभी मॉनिटरिंग में रहना है और एक तरीके से आइसोलेट भी इसको कह सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, लिहाजा वो वहीं रहेंगे और उनकी तबियत ठीक हो गई है, यानी डिस्चार्ज हो गए हैं। तो और ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जैसा आपने अभी दर्शकों को बताया कि 28 दिसंबर को एम्स में उनको एडमिट कराया गया था, यहाँ के डॉक्टर्स की टीम द्वारा एम्स के डॉक्टर से राय मशवरा करने के बाद यह तय पाया गया था कि उनको एम्स में रखा जाए ताकि बेहतर मॉनिटरिंग हो सके, उनके चेकअप्स हो सके और बेहतर सुविधाओं के तहत इलाज हो सके। तो लिहाजा अब उसके रिजल्ट इस तरीके से देखे गए हैं। सीएम दिल्ली आवास पर ही रुकने वाले हैं, आगे अब जब वो वापसी करेंगे तो किस तरीके, क्या कोई राजनीतिक कार्यक्रमों की कोई सूची सामने आई? देखिए अभी कोई राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रम किस तरह के निर्धारित नहीं है, ना उस तरह की भी कोई सूचना मिल रही है, लेकिन जो सरकारी कामकाज है वो जरूर होंगे और जो क्योंकि इतने दिन से वो सरकारी कामकाज इस तरीके से नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो सरकारी कामकाज है, आवश्यक फाइलें हैं, वो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आगे की खबरों पर अपडेट्स लेंगे। लेकिन अगली खबर की तरफ यहाँ बढ़ रहे हैं, तो कोरोना की वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा रहा है, जिले के 5 अस्पतालों में वैक्सीन का मॉक एक्सरसाइज किया जा रहा है। सभी अस्पताल में 25-25 स्टाफ को अभ्यास के तौर पर वैक्सीन लगाई गई है, तो वैक्सीन से पहले वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है, इसका अभ्यास किया गया है, तो वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल को अपनाते हुए ट्रायल हुआ है ये। अभी अस्पताल के स्टाफ पर वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा है, देहरादून के डीएम पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए, वही एसडीएम और सीएमओ को यह जिम्मेदारी दी गई है, तो वैक्सीनेशन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। अभी अस्पताल के स्टाफ पर वैक्सीनेशन ट्रायल हो रहा है, ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून के डीएम की पूरी प्रक्रिया। ड्राई रन के तहत पूरे जनपद में 5 जगह ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है देहरादून के अंदर, और तहसील सदर के अंतर्गत 2 जगह गांधी शताब्दी और खुलबुड़ा में महानिदेश में ये प्रक्रिया चल रही है। जो प्रशासन के स्तर से, जो स्वास्थ्य विभाग के स्तर से और जो पूरे वैक्सीनेशन की जो पूरी जिले की टीम है उनके स्तर से जो तैयारियां की गई है वो बेहतर तरीके से की गई है। अभी तक की जो
हम लोगों ने अभी तक का जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर सारी तैयारियां काफ़ी बेहतर तरीके से की गई हैं। उसके बावजूद भी कोई खामियां जो लोग सारे लोग देख रहे हैं, इसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर भी देख रहे हैं, जिले से भी लोग देख रहे हैं, तो अगर कोई खामियां कोई कमियां अगर इसमें मिलती है, कहीं पर कोई दिक्कतें अगर महसूस होते हैं तो उसका उसमें सुधार किया जाएगा और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसका एक मूल्यांकन करने के उपरांत जो भी खामियां कोई अगर कोई दिक्कतें हों। वैक्सीन के लिए पहले हमें एक्चुअली कल मुझे एक मैसेज आया लगभग 7:30 के आसपास, उसमें उस मैसेज में ये लिखा गया कि आपको 10 से 12 के बीच में आपका वैक्सीनेशन गांधी शताब्दी में होगा और उस समय आप उपलब्ध रहें, तो उसी के हिसाब से मैं 10 बजे के आसपास यहाँ ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर में आ गया था। तो यहाँ पे पुलिस के जो विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण हैं, इन्होंने पहले मेरी आईडी को देखा और उनके पास एक ऑलरेडी शीट मेंटेन थी जिसमें मेरी आईडी की सारी डॉक्यूमेंटेशन मेंशन थी, उन्होंने उसको मैच करके मुझे अंदर जाने को बोला। उसके बाद वहाँ पे एक प्रतीक्षालय बनाया गया है जहाँ तकरीबन 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो मुझे वहाँ पे बैठने को एक स्टाफ ने बोला और उस टाइम पे अंदर वैक्सीनेशन चल रहा था। जैसे ही वो वैक्सीनेशन पूरा हुआ उसके बाद मुझको अंदर बुलाया गया और फिर वहाँ पे मेरा डेटा दोबारा मैच करा गया। मेरे से सारी चीज़ें पूछी गई कि मुझे हाइपरटेंशन, बीपी, कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। उन सब से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने फिर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मेरे ऊपर पूरी। मेजर तो मेरा मॉर्निंग में मिल गया था मेरे को, वैसे होने को तो कल मैसेज तो कल ही हमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। इन्फॉर्मेशन तो कल ही दे दी गई थी क्योंकि 25 लोगों को लगना है एग्जाम, तो उसके बाद तब आज सुबह जो है मैसेज भी हमारे उसमें आ गया, तो मैसेज के हिसाब से हम लोग फिर आ करके अस्पताल के हैं। 25 लोग कौन लोग हैं? जो हॉस्पिटल के लोग हैं सर, सब हॉस्पिटल के। जी जी, वैक्सीन जो है जो कोरोना का ही समझो सबसे बड़ा इस समय जो घातक एक बीमारी आई हुई है जो, तो उससे बचाने के लिए एक टीका ये इस समय सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है और जो है लगातार यहाँ पर इसका प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी जिस तरह से प्रोसीजर है एक होता है उसी तरह से हमें प्रोसीजर हमारा वो लग रहा है ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर टीका लगने के बाद फिर आधा घंटे तक पूरा वेट करना है, देखना है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो उसके बाद जब वो स्वस्थ है तो आधे घंटे बाद। और इसी बीच हमारे सहयोगी ने अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया है, देखिए फहीम तना रेजिडेंट एडिटर की रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा है और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इन ट्रायल में आज के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जरा जानेंगे किस तरह से सारी प्रक्रिया अपनाई गई और क्या इनकी मनोदशा रही है वैक्सीनेशन के समय पे। आपका नाम क्या है? प्रेमलता भगासी। मैडम किस तरह से ये हुई वैक्सीन, आपको कैसे लगी? ठीक लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई अभी क्या, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई वो बताइए, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे, कैसे बुलाया गया? अच्छा, मेरे पास मैसेज आया था फ़ोन में कि आपका गांधी शताब्दी में है, तो मैं ऑटो करके आई हूँ यहाँ स्पेशल से, 80 रुपये का ऑटो और 80 रुपये का ही करके जाऊँगी। और पूछिए कैसे आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ वैक्सीन लग रही है? अगर हम इसको रियल वैक्सीनेशन मानते हैं तो आपने क्या प्रक्रिया अपनाई, क्या आपने आवेदन किया था, ये कैसे? मैंने फॉर्म भरा था इंद्रेश हॉस्पिटल से, तो उसमें मेरा नाम आया है। अंदर क्या प्रक्रिया अपनाई, कैसी? जैसे वैक्सीन लगाई गई तो क्या कुछ हुआ, एकदम आते ही आपके वैक्सीन लगा दी या कुछ पूछा गया, सारी चीज़ें देखी गई क्या? मेरे से पूछा है, मेरे से आधार कार्ड वगैरह लिया है, पैन कार्ड लिया है, फिर लिस्ट में मेरा नाम दिया गया है, फिर देखा है मैंने, फिर मैं अंदर गई हूँ, फिर एक रूम में बाहर बैठी हूँ वेटिंग में, उसके बाद मैं अंदर से वैक्सीन के लिए गई हूँ, फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए फिर वेटिंग में गई हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कुछ कमियां सी लगी आपको, क्योंकि आप तो स्टाफ भी हैं, मेडिकल स्टाफ? जी हाँ जी, कमियां तो ऐसे कुछ नहीं लगी, सब ठीक ही था, बाकी अभी तो मुझे कुछ ऐसी कमी नहीं लगी है, ठीक है। आप के समय में मनोदशा ठीक रही, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हमने जैसे प्रक्रिया चल रही थी इस तरह करके, पहले फॉर्म भरा, आईडी जमा की, आईडी से उन्होंने हमारा नाम लिया, फिर मोबाइल में मैसेज आया कि आप इस डेट पे इस टाइम पे यहाँ पर आ जाइए, फिर हम आए, फिर उन्हें एक किनारे से जो है हमारा प्रतीक्षालय में रख के फिर नाम लेके फिर बोला कि दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में, इस तरह करके फिर इंजेक्शन दिया, वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद हमको वेटिंग रूम में रखा आधा घंटा, उसके बाद फिर सब ठीक ठाक रहा, अभी तो ऐसा कुछ है। तो कोई इंजेक्शन आपको रियल में कोई इंजेक्शन दिया गया या केवल एक? नहीं, अभी तो डेमो चल रहा ना जी, अभी तो ट्रायल जी, तो बाद में फिर मैसेज आएगा जी, उसके बाद धीरे धीरे ये अपना चलता रहेगा वैक्सीनेशन का जी। अंदर कैसा आपको फील हुआ वैक्सीनेशन हुआ? नहीं,
बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करी हुई थी यहाँ पे इन्होंने, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत अच्छा लगा, और पूरी प्रॉपर वे में सब चीज़ें कर रहे हैं। किस तरह का मनोभाव था आपका इस वैक्सीनेशन के समय पर? ये नॉर्मली थे, आए थे कि क्या होगा, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। यहाँ पे बड़े अच्छे से बिहेव करा इन लोगों ने, बड़े अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने। क्या वैक्सीन को कैसे प्रॉपर किसी बॉक्स में रखा गया था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम चाहिए उसका, माइनस में टेम्परेचर चाहिए? जी, इन्होंने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, वहाँ से हमें तो वैक्सीन लगाई है, लेकिन प्रॉपर वे में रखी थी इन्होंने अपनी सारी वैक्सीन वगैरह सब कुछ। जब वैक्सीनेशन ओरिजिनली होगा तो तब आप सब लोग मेडिकल स्टाफ हैं, आप लोगों की भी भूमिका उसमें रहेगी, तो क्या ट्रेनिंग भी दी जा रही है आप? नहीं, ट्रेनिंग हमें तो नहीं दी जा रही है, ट्रेनिंग तो जो लगा रहे हैं उन्हीं लोगों को दी जाएगी। हम तो आज सिर्फ केवल आप लोग ट्रायल का पार्ट थे, कि मतलब ट्रायल एक्सरसाइज में आप लोग शामिल? जी, सिर्फ एक्सरसाइज में शामिल थे। जो ट्रायल था वो हमारे साथ, मतलब उन्होंने कराया डेमो एक। और इस वक्त हम फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उनसे सवाल लेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि डेमो सामने आ गया है, कोरोना ड्राई रन जारी है, इस बीच में कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कि अगर हम बात करें जिनके ऊपर ट्रायल होना है, जिनको वैक्सीनेशन लगना है, कैसा उनका जो नर्वस है या फिर वो पूरे तैयार हो चुके हैं? देखिए कोमल, बिल्कुल जैसा हमने अभी जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है इस ट्रायल में, उनसे हमने बात की, तो उनका कहना था कि जो मनोदशा है वो तो एक सामान्य सी है, क्योंकि ये ड्राई रन है, एक तो पहले उनको पता है एक बात तो ये, और दूसरा ये कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है रियल में भी, तो मनोदशा उनकी एक उस भाव में तो है कि कोरोना की वैक्सीन है तो एक आगे के लिए सुरक्षात्मक वो उपाय हो रहा है। लेकिन किसी को ये कहें कि बहुत उसमें कोई निगेटिव विचार किस तरीके के नहीं है, पॉजिटिव विचार है, ये अच्छा साइन है। और दूसरी बात, अभी हम जहाँ यहाँ खड़े हैं, ये अस्पताल गांधी शताब्दी अस्पताल है, ये का द्वार है, अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पर ही, जैसा हमने पिछली बार एक कार्यक्रम में दिखाया, जो अपनी बातचीत की लोगों से उसमें भी देखा था कि वहाँ अंदर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए फहीम। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भी ड्राई रन जारी है और किस तरीके की तस्वीरें आई हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।